हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नंदू सबका बंद में। गाइस, हम लेकर पेश है एक और मज़ेदार वीडियो। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो एक्चुअली मेरी एक दोस्त के ऊपर है। मतलब मैंने बहुत पहले एक प्रैंक किया था, वो थोड़ा इमोशनल चला गया था, तो आज मैं उस लड़की को फिर से बुला रहा हूँ मिलने के लिए। और जब वो आएगी तो मैं उस पर करूँगा एक छोटा सा प्रैंक। प्रैंक क्या है ये आप लोग चल के देखना वीडियो में, और मैं आपसे मिलूँगा वीडियो के बाद में। और लाइक कर दो अभी आप लोग, और बाकी तो गाइस वो आने वाली है और मेरे को दिख रही है। हाँ, इधर ही आ जा, कैमरा सही से छुपाइयो और बैठो। क्या हाल चाल? बढ़िया। कहाँ था तुम्हारा घर यार? मैं तो पर दुखी हो गया, इतने टाइम लगा दिए तुमने। बताया तो था तुम्हें। बहुत टाइम लगा दिया वैसे तुमने आने में। कैसा लग रहा तुम्हें मुझसे मिल गए? पहली बार तो तुम बहुत परेशान थे। बहुत ज्यादा। अच्छा, वो किसी तबीयत खराब थी ना क्या? कौन थी वो? चाची की थी। चाची की थी तो आप ठीक है? वो चली गई। अरे यार, तूने मेरे से पैसे भी लिए थे उस दिन, वापस कब करेगी? जल्दी करेगी जब मेरे पास आएंगे। तो तू तो बहुत रोई होगी जब चाची गई। तो बस चली गई, अब तो अपने को पता है, अब नहीं पड़ता। चलो सही है। और आने में कोई तकलीफ? दूर था बस, ट्रैफिक में फंसी। पैर दबा दूं? नहीं बहुत है, कहे तो दबा देता हूं। नहीं बहुत है। अच्छा, मैंने यार जब मैंने वो वाली वीडियो काफ़ी, मतलब जब मैंने वो वाली वीडियो एडिट करी थी तो मेरे को ना तुमसे मतलब काफ़ी अच्छा सा लगा था कि यार वीडियो जब मैं देख रहा था खुद ही तो मेरे को अच्छा लगा कि यार लड़की बहुत प्यारी थी, लेकिन उस टाइम ज़्यादा बात ही नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा, हाँ उस टाइम फिर मैंने सोचा कि यार इसको किसी से मिलने बुलाऊँगा और फिर इससे थोड़ा बहुत मतलब जो अपने दिल की बातें हैं वो बोलूँगा, क्योंकि उस दिन बोल नहीं पाया ना। उस दिन तुम परेशान थे, क्या करता? बात क्या कर रहे थे तुम उस दिन? डरा रहा था ना मैं तुम्हें। हाँ, तो वही उस टाइम डरा रहा था, फिर मैंने देखा लड़की बहुत प्यारी है, इसको डराना नहीं चाहिए। क्योंकि हर इंसान, हर टाइप के लोग होते हैं ना, जैसे किसी को डराओ किसी से प्यार करो, तो उस टाइम पता नहीं था तो मैं डरा रहा था। अब पता चल गया तो मैं सोच रहा हूँ कुछ और। वैसे मैंने ना एक ज़रूरी काम के लिए बुलाया तेरे को, मतलब बहुत ज़रूरी काम था। मैंने मतलब 4-5 लोगों से पूछा और उन्होंने पता नहीं क्यों मना कर दिया, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। सच्ची बताऊँ? लेकिन एक चीज़ है, एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तू इस चीज़ का बुरा नहीं मानेगी। ठीक, बताओ। पक्का? हाँ हाँ बताओ। ना दोस्ती खराब करेगी? हाँ हाँ। क्योंकि पता है क्या है, हेल्प करी वो तो अच्छी बात है, लेकिन पता है मैं तेरे से क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यार तू ना उस चीज़ में परफेक्ट है, जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ ना तू ही परफेक्ट है। बाकी जितनी भी मेरे को लड़कियाँ आप देख पार्क में और भी बैठी हैं, और मेरी दोस्ती भी कुछ मक्कार है वो साली। हाँ, वो मतलब समझ रही, एक बेवकूफ़ औरत होती है ना, वो सारी वो हैं औरत। हाँ, औरत। तो इसलिए मैंने तेरे को बुलाया कि यार लड़की अच्छी है, प्यारी है, क्यूट है, लिपस्टिक लगा के आई है तो मैंने सोचा कि हाँ इसी से बात करूं। तो यार मेरी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, मैं तेरे से ये कहना चाहता हूँ कि यार बुरा मन मानी देख। हाँ बोले। यार मेरे बच्चे की माँ बन जा। मेरे बच्चे की माँ बन जा। मेंटल है क्या हो गया तू? तो अचानक से बहक गई। क्या बोल रहे तू? तेरे को पता है क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला तूने? मैंने बोला मेरे बच्चे की माँ बन जा। भाई तू पागल है? दिमाग है? दिक्कत क्या है? बच्चे की माँ बन जा, तू क्या, तू पागल है? मैंने तेरे को अच्छा दोस्त माना था इसलिए थोड़ा। और मतलब फर्स्ट मीटिंग में ये बंदा क्या बोल रहा है? तो मैंने गलत क्या बोला है? तेरे को पागल है? इसमें सही क्या है? सही नहीं है। तू एक अपनी दोस्त समझ नहीं रही। अबे चल, सुन तो सही, मेरी तो सुन ले। नहीं, मैं नहीं। जो लड़की बनती है उसके लिए प्राउड मोमेंट होता है, खुशी होती है माँ बन गई। जब शादी होती है उसके बाद होती है ये। मेरे को नहीं बनना इतनी जल्दी माँ। हद है यार, बोल क्या रहा है ये बंदा? एक टाइम तो आएगा बनेगी किसी ना किसी के बच्चे की माँ। तो मेरे बनने की क्या, ये फालतू बकवास मत कर। सुन तो सही, स्पेशल डिस्काउंट है, तेरे पापा को नानू भी बनाएंगे। क्या दिक्कत है? नानू नानी वो भी खुश, तू भी खुश, मैं भी खुश, काम हो जाएगा। क्या हो गया? तो दिक्कत किस चीज की आ रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? अपनी फालतू की जो यहाँ लड़कियाँ बैठी है ना उनसे पूछ। बहुत दे, क्या पूछ रहा है ये बंदा? इतना बुरा है क्या माँ बनना? हाँ बहुत बुरा है। शादी क्यों से पहले? अच्छा, शादी से पहले माँ बनना बुरा है? हाँ, ऑब्वियसली बुरा है। नहीं, काम करना, बन जा यार। तो बोल क्या रहे? यही तो बोला है, मेरे बच्चे की माँ बन जा। क्या दिक्कत है? तू तो इतना सर पे चले जा रही है। अच्छा लड़का नहीं हूँ मैं? देख मेरी तरफ एक बार देख। नहीं, मेरे को नहीं बनना किसी के बच्चे की माँ। और देख, दिमाग मत खराब।
दिमाग कौन खा रहा है? तू तेरे को अच्छा दोस्त माना, तूने मेरी हेल्प की, इसलिए मैं तुझसे मिलने आई। ये नहीं कहा था कि आती तू ये बोलेगा मेरे बच्चों की माँ बनेगी। तो यार ये बंदा कितना सनकी है, क्या हो गया? तो वो पता है कि मैं तेरे को देख के ना थोड़ा बहक सा गया, इसलिए मैंने ये चीज बोली है। तू ज्यादा अच्छी लग रही है। तो बहक गया तुम बच्चे भाई साहब, मेरे से बात मत कर, बन जा यार, क्या दिक्कत है? चला जा तू यहाँ से, मैं कभी थप्पड़ ना मार दूं तेरे। हैं? मैं थप्पड़ ना। सुन तो सही, सुन तो सही, दूर ही हूँ, दूर ही हूँ, दूर ही हूँ, दूर ही हूँ, बैठ तो सही, क्या दिक्कत है? दिक्कत ही दिक्कत है इसमें, सही क्या है? यार एक बात बता, हर लड़की बनती है एक टाइम पे, तेरे को क्या दिक्कत है? तेरा बनने का इरादा नहीं है क्या? टाइम पे बन लूंगी मैं, मेरे को अभी नहीं बनना किसी के बच्चे की माँ। और देखो अभी इरिटेट मत कर मेरे को, ये बोल के मतलब हद है यार, मैं तेरे से फर्स्ट टाइम मिलने आई हूं और तू क्या पूछ रहा है मुझसे? मेरे को जरूरत है ना, सीधा साधा सा और बातें, मेरे को जरूरत है यार। क्या जरूरत है? मेरे को एक मेरे बच्चे की माँ चाहिए यार। भाई तो तेरे को दिक्कत क्या है? मेरे को, मेरा बच्चा भी सुखी रहेगा, तू भी सुखी रहेगी। बोल क्या रहे? यार एक बात बताओ, हर लड़की बनती है कोई तरह से, कोई ये तो बोला नहीं है कि दोनों पैर कटवा के पीटी उषा की तरह भाग। कोई जो जो इम्पॉसिबल है मैं वो चीज बोल ही नहीं रहा, अब जो चीज पॉसिबल है उसमें तेरा कहीं सर में दर्द हो रहा भाई, क्या दिक्कत है? मेरे को अभी पढ़ना भी है, मेरे को और भी काम करने, और मैं माँ भी तो बनना है। नहीं बनना भाई मुझे किसी के बच्चे की माँ। अबे यार एक्चुअली पता है बात क्या है, मेरा सर दुख रहा है। सुन तो से एक मिनट, सर मत, मैं डिसिप्लिन भी ला के दे दूंगा उसी बच्चे से, तेरा सर भी दबवा दूंगा, तू माँ तो बन। मुझे नहीं बनना किसी बच्चे की माँ, और अब मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगी अगर तूने फिर से ये शब्द। 5-10 लाख रुपए ले ले। ओह नो, पागल है क्या? हो गया पैसे दे के मैं माँ, तू कितनी गंदी बात। 10 लाख ले ले, चीप पेंगा, मेरी आधी प्रॉपर्टी लेगी। भाई मेरा सर दुख रहा है। अच्छा सुन तो सही, सर सरवर मत दुखा। सुन यार पता है क्या सीन है एक्चुअली ना, मेरे जो मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी पहले, हाँ, जो तो उससे करवा, सुन तो ले, सुन तो ले, वो प्रेग्नेंट हो गई थी और हाँ, उसके तो तूने छोड़ दिया होगा, उसके बाद वो मर गई, तो उसका जो बच्चा है ना वो मेरे घर, उसके बाद जो उसका बच्चा है ना वो मेरे घर पे है, तो मैं उसके लिए कह रहा था कि यार मेरे बच्चे की माँ बन जा। तेरे को क्या लगा वैसे? मेरे पास बच्चा तो घर में वो पालने में झूल रहा है, मेरे को उसकी माँ बनाना है, तुझे क्या लग रहा था मतलब? क्या हुआ? मेरे दिमाग से ज्यादा ही चलता है। क्या सोचा तुमने? हैं? क्या सोचा होगा इसने? अच्छा ओहो, मतलब सोचो तुम गलत और सुनाओ हमें है। भाई तो इसका मतलब तो ये होता है तू किसी लड़की को बोलेगा तो बच्चा एडवांस में भी तो हो सकता है, जरूरी हो प्रोसेस करके माँ बनना है यार, हद है तेरी भी। मैं तेरे को गोद लेने के लिए कह रहा हूँ बच्चे को, नहीं मेरे को नहीं पता था तू ऐसी, वरना तेरे को मिलने ही नहीं बुलाता। हाँ तो बंदी का दिमाग यही चलेगा ना भाई, तू ऐसे बोलेगा तो कौन सोचेगी हाँ तेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसका बच्चा था वो मर गई फिर तू उसका बच्चा पाल। अच्छा ये तेरे को स्टोरी रियल लग रही है? अब इसमें एक और ट्विस्ट है, उधर देख सामने। ओ भाई फिर कैमरा। फिर कैमरा नहीं, उस बार जब मैं आया था तो परेशान थी, मैंने फिर सोचा कि यार डिस्टर्ब ना करूं, इस बार मैंने सोचा इस बार काटूंगा तेरा, एक बार देख उधर। भाई मेरे को नहीं देखना। दे, एक, एक, एक बार देख ले, एक बार देख ले। हाँ, देख लिया। एक बार हाय कर दे। हाय। और बोल कि इस बार मेरा कट गया। इस बार मेरा कट गया। तो गाइस आपने इसके रिएक्शन देखे, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मैं हूँ, उनको एक काम करो, उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोल दे। लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, सब। अब ये बता माँ बनेगी? नहीं बनूंगी। तो गाइस लाइक कर देना ठीक है, और मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।